स्वागत है आप सभी का माय गैजेट एक्सपीरियंस में दोस्तों कई ब्रांड डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लॉन्च कर रहे हैं जिनमें अफोर्डेबल चॉइसेस भी हैं और यही लोगों के बीच पॉपुलर भी हो रहे हैं रिसेंटली बोट कंपनी ने भी 5.1.2 चैनल वाला बोट अवंटे 5500 फाइव डॉल्बी एटमॉस साउंड बार होम थिएटर सिस्टम लॉन्च किया है इस वीडियो में इसी का अनबॉक्सिंग सेटअप साउंड टेस्ट और फुल रिव्यू करेंगे इसे मैंने अमेजोन से बाईस हजार रुपये में बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदा है दोस्तों मैं ये सारे प्रोडक्ट खरीदता हूँ इसलिए इन्हें यूज करने का जो भी एक्सपीरियंस मिलता है उसी को शेयर करता हूँ और इसी कारण अनबायस्ड रिव्यू हो पाती है अगर यह रिव्यू पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर मेरे चैनल के कंटेंट से आपको हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस चैनल में अभी तक जितने व्यूज आए हैं उनमें से सिर्फ तीन परसेंट लोग ही सब्सक्राइब किए हैं आपके सपोर्ट और से ही हमें इस तरह के में मिला है। उठाने में भारी है यह डबल बॉक्स में पैक होकर आता है अंदर वाले ओरिजिनल बॉक्स में इस होम थिएटर सिस्टम के फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं और बॉक्स अट्रैक्टिव भी है अब सारे यूनिट्स को बाहर निकाल लेते हैं इसमें साउंड बार यूनिट सब यूनिट दो सैटेलाइट स्पीकर यूनिट और एक्सेसरीज का पैकेट है जिनमें एक रिमोट कंट्रोलर साउंड बार में लगने वाला पावर केबल सैटेलाइट स्पीकर को पावर देने के लिए अडॉप्टर एच केबल टू आर सी टू ऑक्स केबल साउंड बार के वॉल माउंट के लिए दो ब्रैकेट्स सैटेलाइट स्पीकर्स के वॉल माउंट के लिए दो ब्रैकेट्स स्क्रू का पैकेट स्क्रू अलग से दो ट्रिपल ए बैटरी बहुत सारे स्टिकर्स यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड और प्रोडक्ट्स के कैटलॉग तो इसमें ढेर सारे यूजफुल एक्सेसरीज मिल जाते हैं यह होम थिएटर सिस्टम बहुत अच्छी बिल्ट क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ आता है दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इसका साउंड बार तीन फीट से ज़्यादा लंबा है और उठाने में अच्छी खासी भारी भी है इसकी मेन बॉडी प्लास्टिक की है जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है इसमें सामने और टॉप में ड्राइवर को कवर करने के लिए मेटल मैच दिए हैं साउंड बार के फ्रंट में लेफ्ट मिडिल और राइट right में तीन स्पीकर दिए हैं फ्रंट में ही एलईडी डिस्प्ले और कूलिंग फैन भी दिए हैं टॉप में दो अप फायरिंग स्पीकर दिए हैं जो फ्रंट की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं टॉप में ही चार रबराइज कंट्रोल बटन भी है साउंड बार के दोनों तरफ पैटर्न बने हैं यहाँ से इन्हें पकड़कर उठा भी सकते हैं इसके पीछे सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिए हैं जिनमें एच डी एम आई ई पोर्ट USB, ऑक्स और ऑप्टिकल पोर्ट है सर्विस अपडेट के लिए भी टाइप सी पोर्ट दिए हैं सबर भी साउंड बार से कनेक्ट होगा इसके लिए अलग से पोर्ट है पावर पोर्ट के लिए एक पोर्ट है इसे टेबल के साथ साथ वॉल माउंट भी कर सकते हैं इसके लिए ब्रैकेट्स भी दिए हैं इसका सब यूनिट वुडन बोर्ड से बनी है उठाने में हल्की है वुडन बोर्ड का सरफेस मैट फिनिश है फ्रंट साइड प्लास्टिक मेड है जो बोट अवंटे का सिंबल है। right में का है, जो से है. पीछे है और एक 7.5 फीट का केबल है जो साउंड बार से कनेक्ट होता है इसमें दो वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर है ये भी प्लास्टिक मेड है और फ्रंट में मेटल मैश है इनके अंदर एक एक ड्राइवर है और ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक सेटेलाइट स्पीकर में 20 फीट लंबाई का केबल दिए हैं मतलब दोनों सेटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करके एक दूसरे से मैक्सिमम 20 फीट की दूरी पर रख सकते हैं दूसरे सेटेलाइट स्पीकर यूनिट में केबल कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट और अडोप्टर से पावर देने के लिए अलग से पोर्ट है इसमें सर्विस अपडेट के लिए टाइप सी पोर्ट दिए हैं इसमें तीन एलईडी इंडिकेटर है साथ ही इसमें वायरलेस कनेक्शन को रिसेट करने और ऑडियो चैनल को स्विच करने के लिए नीचे एक बटन दिए हैं ओवरऑल बिल्ट क्वालिटी अच्छी है सब ऊपर यूनिट बोट के दूसरे होम थिएटर सिस्टम जैसा ही है वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स हैं फिर भी इन्हें सेटअप करने के लिए काफी केबल्स यूज करने पड़ेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस इस को देखें तो यह एक 5.1.2 डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम है साउंड बार में फ्रंट में तीन फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर और टॉप में दो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर ड्राइवर के साथ टोटल पाँच ड्राइवर है सैटेलाइट स्पीकर में एक एक फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर और सब यूनिट में 6.5 इंच का बेस ड्राइवर है टोटल पावर आउटपुट 500 वाट है कनेक्टिविटी के रूप में एच डी ऑप्टिकल पोर्ट USB पोर्ट और पोर्ट है साथ ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है इसमें डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड का फीचर है अब ऑडियो प्ले करने के लिए इसे सेटअप करते हैं इसे सेटअप करने का तरीका थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान से देखें सेटअप करने के लिए सारे यूनिट यहाँ पर रखे हैं साउंड बार मास्टर यूनिट है इसी को मेन पावर सप्लाई दिया जाएगा इसको पावर सॉकेट से जोड़ना है तो साउंड बार से इनके पावर केबल को कनेक्ट कर लेते हैं इसके बाद सब यूनिट को साउंड बार से जोड़ने के लिए इसके केबल को साउंड बार में दिए पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं दोनों सैटेलाइट स्पीकर वायरलेस है इसलिए इनका साउंड बार से कोई केबल कनेक्शन नहीं होगा लेकिन इन दोनों का आपस में वायर्ड कनेक्शन होगा इनमें से एक सैटेलाइट स्पीकर में 20 फीट लंबा केबल है इसे दूसरे स्पीकर से कनेक्ट कर लेते हैं दूसरे स्पीकर में पावर अडॉप्टर से पावर देना पड़ता है अब सभी स्पीकर को सही से प्लेसमेंट कर देते हैं ताकि प्रॉपर सराउंड साउंड सुन सकें वायरलेस कनेक्शन इस्टैब्लिश न होने पर सैटेलाइट स्पीकर में रेड एल लाइट ग्लो होता है कनेक्शन इस्टैब्लिश होने पर ब्लू लाइट ग्लो होता है इस होम थिएटर सिस्टम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सैटेलाइट स्पीकर के लिए पावर सॉकेट नज़दीक हो इसलिए सैटेलाइट स्पीकर्स को इसी के अनुसार प्लेस कर सकते हैं और ऑडियो चैनल को रियर लेफ्ट और रियर राइट के बीच स्विच कर सकते हैं कन्फर्म करने के लिए दो व्हाइट एलईडी लाइट भी दिए हैं मतलब यही है कि लेफ़्ट या राइट right का झंझट ही नहीं है कोई भी सैटेलाइट स्पीकर किधर भी रहे इन्हें माउंट करने के बाद भी ऑडियो चैनल को लेफ्ट या राइट right स्विच कर सकते हैं स्पीकर स्विच करने या बदलने की ज़रूरत नहीं इसके लिए स्विच या रिसेट बटन दिए हैं अब जिस इनपुट मोड से कनेक्ट करना है उसे कनेक्ट करने के बाद यह ऑडियो प्ले करने के लिए रेडी है इसमें नॉर्मल पी सी एम एम पी थ्री ऑडियो के साथ साथ सराउंड साउंड कंटेंट डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस फॉर्मेट भी प्ले किए हैं इसलिए इसकी साउंड क्वालिटी को नॉर्मल और सराउंड साउंड दो कैटेगरी में टेस्ट किए हैं पहले नॉर्मल साउंड क्वालिटी की बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा इसमें अच्छी बेस वोकल्स और ट्रेबल्स मिलेगी बोट का यह होम थिएटर सिस्टम जिस तरह की साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है और जो सराउंड साउंड मिलती है इससे आपका रूम एक छोटा सा थिएटर जैसा लगेगा अगर आपने बोट का कोई होम थिएटर सिस्टम पहले यूज किया है तो यह उसका एनहेंस्ड वर्जन है जैसे जैसे सा। तेरे सारे रख लौड़े, रख लौड़े, इसके ऑडियो क्वालिटी को डिटेल में जानते हैं इसका 6.5 इंच का बेस ड्राइवर बहुत अच्छे से बेस प्रोड्यूस करता है बेस में मिड बेस और अपर बेस ज्यादा सुनाई देता है मिड बेस में बिट्स अच्छे से सुनाई देगा साथ ही पंची बेस जबरदस्त सुनाई देता है ज्यादा वॉल्यूम में सॉलिड और हैवी बेस सुनने को मिलता है इसमें अपर बेस भी अच्छी मिलती है इसीलिए इसमें बेस लाउड सुनाई देता है जो भूमि भी लगता है इसमें लोअर बेस कम है इसलिए थंपिंग बेस बहुत कम सुनाई देगा हाई वॉल्यूम में ही रूम वाइब्रेशन वाली बेस थोड़ी बहुत मिलती है मिड और लोअर वॉल्यूम में कम लोअर बेस क्लियरली पता चल जाता है बोट के इस होम थिएटर सिस्टम में मिड बेस पर फोकस किया गया है इसलिए बेस तगड़ा मिलता है वोकल्स मिड रेंज और ट्रेबल्स के लिए इसमें तीन फ्रंट ड्राइवर दो अप फायरिंग और दो सैटेलाइट स्पीकर सहित टोटल सात फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर है मिड फ्रिक्वेंसी और वोकल्स बहुत अच्छे से क्लियर और शार्प सुनाई देता है इसकी लाउडनेस काफ़ी है डायलॉग्स सुनने में दिक्कत नहीं होगी और दूसरे साउंड बैकग्राउंड साउंड इंस्ट्रूमेंट्स नेचर साउंड भी सही इंटेंसिटी के साथ सुनाई देता है और इनमें क्लैरिटी के कारण अलग अलग आवाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रेबल्स भी क्लियर और क्रिस्प मिलती है छोटे छोटे हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड भी अच्छी डिटेल्स के साथ सुनाई देता है ओवरऑल साउंड क्वालिटी या इनके साउंड सिग्नेचर को देखते हैं दोस्तों बोट अवंते बार 5500 DA से जो ऑडियो मिलती है उसमें बेस मिड्स वोकल्स और ट्रेबल्स को बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ लाउड सुन पाएंगे इसमें बहुत सारे स्पीकर्स अलग अलग डायरेक्शन में रखने पर रूम फीलिंग साउंड सुनने को मिलता है बेस में मिड बेस और अपर बेस ज्यादा सुनने को मिलेगा यही बेस इस होम थिएटर सिस्टम का अट्रैक्शन है गरजने दहाड़ने वाली साउंड इम्प्रेस कर देगा लोअर बेस बहुत कम मिलती है इसके कारण लोअर बेस वाली थंपिंग नहीं मिलेगा ग्राउंड शेकिंग या खिड़की हिलाने वाली बेस हाई वॉल्यूम में मिलती है बेस को बढ़ाने पर भी लोअर बेस हल्का सा ही बढ़ता है वोकल्स और ट्रेबल्स क्लियर शार्प और क्रिस्प सुन पाएंगे अच्छी बात यह है कि चाहे बेस हो ट्रेबल्स वोकल्स या मिड रेंज हो कोई भी डोमिनेट नहीं करती है कोई भी पार्ट दबा हुआ नहीं लगता है अगर आपको लगता है कि किसी कंटेंट में कोई ऑडियो पार्ट दब रहा है ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तब इसके रिमोट में दिए साउंड मोड्स बेस ट्रेबल्स सेंटर चैनल और सराउंड्स को यूज करके अपने हिसाब से ऑडियो को ट्यूनिंग या कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती भी है म्यूजिक मोड में ट्रबल्स दब जाते हैं मूवीज मोड में सारे ऑडियो नोट्स लाउड सुनने को मिलता है कई बार मूवीज या टीवी सीरियल में डायलॉग्स कम सुनाई दे रहा था तब सेंटर चैनल को बढ़ाने पर डायलॉग्स क्लैरिटी और लाउडनेस बढ़कर सुनाई दिया इसीलिए ऑडियो कंट्रोल इम्पॉर्टेंट होता है यह होम थिएटर सिस्टम बहुत लाउड है और फुल वॉल्यूम में भी अच्छी साउंड मिल जाएगा यह 250 से 300 स्क्वायर फीट या इससे बड़े रूम साइज के लिए ठीक है इस हिसाब से इसमें लंबे केबल भी दिए हैं इसमें ऑडियो सेपरेशन अच्छी है सेपरेशन अच्छे से सुनना है तो इन स्पीकर यूनिट को दूर में रखें और वॉल्यूम को बढ़ाकर रखना होगा ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें बहुत सारे डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड वाले कंटेंट चलाए हैं दोस्तों इसमें सराउंड साउंड बहुत बढ़िया सुनाई देता है ऑडियो चारों तरफ से सही सेपरेशन के साथ सही इफेक्ट के साथ सुनाई देता है ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास से ही आवाज आ रही हो इस होम थिएटर सिस्टम में रियल डॉल्बी एटमॉस के लिए मिनिमम जितना चैनल चाहिए उतना ही स्पीकर ड्राइवर्स भी है इसलिए हर चैनल के लिए एक डेडिकेटेड ड्राइवर है इसीलिए यह डॉल्बी एटमॉस कंटेंट को अच्छे से मैप कर पाता है और रियल डॉल्बी एटमॉस आडियो प्रोड्यूस होता है इस होम थिएटर सिस्टम में डॉल्बी ऑडियो को चलाने पर सराउंड साउंड मिलता है और आडियो की क्लैरिटी बढ़ जाती है डॉल्बी एटमॉस कंटेंट चलाने पर सराउंड साउंड और क्लैरिटी तो मिलती ही है साथ ही अप फायरिंग स्पीकर भी इफेक्टिवली साउंड करता है जिससे सराउंड साउंड थोड़ी और इन्हेंस हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा रूम ही पूरा थिएटर बन गया हो You'll every single principle your nation holds dear. I begged the director not to do this. But I begged. The Americans school a few years ago. <laughs> अप फायरिंग स्पीकर सही से काम करता है और अपने चैनल वाले आडियो को इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस करता है अप फायरिंग स्पीकर सामने की तरफ झुके हुए हैं ताकि आडियो छत से टकराकर नीचे आ सके इसलिए इसे अच्छे से सुनने के लिए हाई वॉल्यूम करके साउंड बार से पाँच से छः फीट दूर बैठना होगा इस प्रकार इसका सराउंड साउंड भी काफ़ी बढ़िया है कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के सारे दिए ऑप्शन से सही से कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप डॉल्बी डिजिटल कंटेंट चलाना चाहते हैं तब एच डी एम आई ई ए आर सी या ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट करना जरूरी है अगर डॉल्बी एटमॉस कंटेंट चलाना चाहते हैं तब एच डी एम आई ई ए आर सी पोर्ट ही काम आएगा और हाँ हाई स्पीड वाले महंगे एच डी एम आई केबल ही यूज़ करें इसमें सामने बड़ा सा डिस्प्ले भी है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता रहता है इसी से पता चलता है कि, कि किस मोड में चला रहे हैं डॉल्बी एटमॉस चल रहा है या नहीं इत्यादि ओवरऑल यह होम थिएटर सिस्टम इम्प्रेसिव है जो बड़े रूम को भी होम थिएटर बना देगा स्पेशली जब एक्शन मूवीज़ हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं जिनमें सराउंड साउंड इफेक्ट अच्छे से डाले रहते हैं अब कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो आपको जानना जरूरी है इनमें कुछ कॉन्स भी है दोस्तों इस होम थिएटर सिस्टम की साउंड क्वालिटी अच्छी है लेकिन दोस्तों इतने अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम में कम लोअर बेस का एहसास हो ही जाता है जिसके कारण गूंजने वाली बेस कम मिलेगी क्योंकि इसमें लोअर बेस कम है वाइब्रेशन करने वाली बेस इसमें कम लगता है अगर बेस को बेहतर सुनना चाहते हैं तो सब यूनिट को टेबल या दीवार के पास इस तरह से रखें कि बेस ड्राइवर टेबल या दीवार के सरफेस की तरफ हो इससे लोअर बेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट सुनने को मिलेगा आ, इसके अलावा मिड्स और वोकल्स पार्ट में भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कम वॉल्यूम में कभी कभी वोकल्स दबे हुए लग सकते हैं वॉल्यूम बढ़ाने पर बेस ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे में दोस्तों कभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है तो कभी वॉल्यूम घटाना पड़ता है सेंटर चैनल को बढ़ाकर वोकल्स भी बढ़ा सकते हैं मतलब साउंड सेटिंग को यूज़ करना पड़ सकता है नॉर्मल साउंड और डॉल्बी ऑडियो या डॉल्बी एटमॉस साउंड चलाने पर ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट सुनने को मिलता है इसे सराउंड साउंड के लिए ही बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर इस होम थिएटर सिस्टम में डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस में डिफरेंस की अगर बात करें तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के लिए दो एक्स्ट्रा फायरिंग स्पीकर को सीलिंग स्पीकर के रूप में साउंड बार में ही दे दिए हैं ताकि ऑडियो छत से टकराकर नीचे सुनाई दे अप फायरिंग स्पीकर से जो साउंड ऊपर से आनी चाहिए वो भी सामने से ही आती है यही कारण है कि एक डायमेंशन का साउंड थोड़ा वीक लग सकता है यह दिक्कत इसी तरह के दूसरे डॉल्बी एटमास होम थिएटर सिस्टम में भी आती है दोस्तों आप सही से अप फायरिंग स्पीकर के आडियो को सुनना चाहते हैं तब साउंड बार से पाँच से छः फीट की दूरी पर बैठें इससे ऊपर से आती हुई आवाज़ सुनाई देता है इससे काम बन जाएगा दोस्तों भले ही यह डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है लेकिन यह साउंड बार ही है पांच स्पीकर ड्राइवर या पांच चैनल एक ही साउंड बार में है तो रियल डॉल्बी एटमॉस भले ही प्रोड्यूस होता है लेकिन अलग अलग स्पीकर यूनिट वाले डॉल्बी एटमॉस सिस्टम जैसा इफेक्टिव सराउंड साउंड नहीं दे पाएगा इसका भी ध्यान रखना है इस प्रकार अंत में कंक्लूड करें तो यह बोट अवंटे बार फाइव फाइव जीरो जीरो डी ए डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम बोट ब्रांड की तरफ से पहला डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम है जो 5.1.2 चैनल के साथ आता है और कम प्राइस में बेस्ट पॉसिबल डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस कराने के लिए और दूसरे ब्रांड के सिमिलर प्रोडक्ट को टक्कर देने के लिए तैयार है दोस्तों यह याद रखना इस डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम को बड़े रूम में लाउड सराउंड साउंड के लिए बनाए हैं अभी डॉल्बी एटमॉस कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में महंगे हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी इन्हें फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर पाएंगे मेरे ख्याल से पच्चीस हजार रुपये में यह अफोर्डेबल ऑप्शन वैल्यू फॉर मनी है मूवीज़ ओ कंटेंट देखने के लिए बेस्ट है साथ ही पार्टी में यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है गाना भी सुन सकते हैं अगर आपको यह बोट अवंटे फाइव फाइव ज़ीरो जीरो डी ए पसंद आया हो तो इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से खरीद सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद